तो हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक के वीवो का वीवो Y12S मॉडल नंबर मोबाइल, और आप देख सकते हैं इसके बैक के की डिज़ाइन। और ये जो है नए मॉडल में है, वीवो Y12S ये मॉडल है। और फ्रेंड्स, इसमें टैग बॉक मोड जो होता है, टैग बॉक मोड जो है वो लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ बोल रहा है। और इसमें जो है हमारी स्क्रीन जो है टच जो है वर्क नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यही प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी हम करेंगे क्लिक, बट हमारा जो है लॉक भी नहीं खुल रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीवो Y12S मॉडल का ये मोबाइल है। फिलहाल आप वीवो के किसी भी मॉडल से अगर ये टैग वर्क की प्रॉब्लम जो है हो जाती है, तो किसी भी मोबाइल की वीवो से आप हटा सकते हैं। वो किस तरीके से, वो हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको इसी तरीके से जो है वीडियो को फॉलो करना होगा और वीडियो को समझना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि और भी कई मोबाइल जो होते हैं एंड्रॉयड, उनमें भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन हो जाएगी। तो वीडियो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, तो हमने इसको चालू किया, तो आप देख सकते हैं ये नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए करना क्या है, डबल फिंगर, दो फिंगर इस तरीके से यूज करना है और एक फिंगर इस तरीके से। तो इसका हम लॉक खोल लेते हैं। तो इसका लॉक इस तरीके से खोल देते हैं, देखिए। तो डबल फिंगर आप यूज करेंगे तो इसी तरीके से डबल फिंगर पे ये नॉर्मली काम करता है। तो डबल फिंगर आप यूज करेंगे किसी भी मॉडल में तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और आपको ये मोड जो है, टैग बॉक मोड जो है, अगर हटाना है तो आपको करना क्या होगा कि इसके जो है सेटिंग होती है मोबाइल की, वहाँ पे पहुँचना है। डबल फिंगर से ही आगे पीछे होगा, सिंगल से नहीं होगा। देखिए आप, सिंगल से कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी कर रहे हैं हम, ये निशान जो है ग्रीन कलर का बन के आ रहा है, तो ये डबल फिंगर से ही होगा। तो डबल फिंगर से हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी सेटिंग जो भी जहाँ भी होगी वो निकल आएगी। तो इस तरीके से हम अभी सेटिंग पे पहुँच जाते हैं इसकी। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी सेटिंग है। तो यहाँ पे हमको सिंगल क्लिक से डबल क्लिक करना है, सिंगल से। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सेटिंग खुल चुकी है। और इसको डबल फिंगर से इस तरीके से हटाएंगे, इस तरीके से ऊपर को खींचेंगे, तो ये सारे फंक्शन जो है निकलेंगे। तो टैग वर्क जो ऑप्शन होता है वो इसमें होता है, शॉर्टकट ए असेंबिलिटी में। तो इस पे अपन को डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तो सॉरी बैक करना पड़ेगा, गलत जगह पे क्लिक हो गया। तो ये जो दिख रहा है असेंबलिंग असेंबिलिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डबल क्लिक। तो यहाँ पे हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैग बॉक्स जो लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो हमने ये कर दिया है। और टैग बैग जो आप देख सकते हैं ऑन है, इसको आपको डबल क्लिक करके, पहले इतने में ही होगा, इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप का जो है ऑप्शन बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है और ये ऑफ हो गया है। तो ये ऑफ हो गया है तो अभी हमारा नॉर्मली मोबाइल चलने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मली मोबाइल हमारा चलने लगा है, कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम इसका मॉडल नंबर आपको एक बार दिखा देते हैं सेटिंग में पहुंच के, क्योंकि अब तो नॉर्मली चल रहा है। तो हमने वैसे एक अंदाज से बताया था आपको मॉडल नंबर, फिलहाल इसका कंफर्म करके बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं वीवो Y12S इसका मॉडल नंबर था। तो फिलहाल इसी मॉडल नंबर का ये वीडियो था।
और ये ट्रिक आप पे वीवो के किसी भी मोबाइल में यूज कर सकते हैं और अदर भी मोबाइल में यूज करके देखेंगे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल वीडियो कट करने से पहले आग्रह करेंगे आपसे, निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।